हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्योर इलेवन प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ दो ऐसी एशिया नई टीम की जो वुमेंस टीम है, थाईलैंड वर्सेस मलेशिया। काफ़ी लोगों को इस टीम के बारे में पता नहीं होगा कौन से बैट्समैन होंगे, कौन से बॉलर होंगे, टीम का परफॉर्मेंस क्या है, रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि इतने सारे मैचेस इन्होंने नहीं खेला है। तो उस बेस पर आप लोग को अब ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों समझने की। तो अगर आप मेरा वीडियो सुनते हो तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। अगर आपको एक अच्छा मनी अर्न करना है या ग्रैंड लीग में दोस्तों लास्ट में नहीं आना है, एटलीस्ट अपना मनी तो सेव करना है, तो अगर आप ध्यान से सुनते हो मेरे वीडियो को तो काफ़ी सारा आपको आइडिया मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा किस तरह से मैच होगा और कौन कौन से प्लेयर इसमें बेनिफिशियल होंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हो, प्रेस नहीं करते हो दोस्तों, तो हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अगर कुछ सडन चेंजेस होता है टीम में, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर आते हैं, तो हम डेफिनेटली उसे हम अपडेट करेंगे, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा मैच जीतने के लिए। तो उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हो दोस्तों, तो हम आप तक कोई भी अपडेट नहीं पहुँचाएंगे। अगर हमारे पास टाइम होता तो डेफिनेटली हम आप तक अपडेट पहुँचाएंगे। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आप बात करते हैं थाईलैंड वुमेन वर्सेज मलेशिया की, दोनों नई टीमें एशिया कप में नज़र आ रही है दोस्तों। काफ़ी लोग को टीम के बारे में पता नहीं है, तो मैं पहले टीम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर तीन कीपर के अब ऑप्शन है, क्रिस्टियाना ब्रिस्ट बैरेट, क्रिस्टियाना बैरेट को डेफिनेटली खिलाया जाएगा दोस्तों, तो क्रिस्टियाना बैरेट को रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा डाउट है, क्रिस्टियाना बैरेट की जगह पे ऐना नाजवा खेल सकती है अब, तो थोड़ा रिस्की हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐना नाजवा को चांस दिया जाएगा। तो वहीं पर ननपत को खिलाया जा सकता है टीम में, डेफिनेटली खेलेंगे। एकमात्र कीपर है टीम में तो आप इनको ले सकते हो, सेफ प्लेयर है ननापत, तो ननापत को आप ले सकते हो। बैटिंग में का ओपन करती हैं टीम के लिए, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही। वहीं पे अगर मलेशिया वुमेंस की बात की जाए दोस्तों, तो मलेशिया वुमेन एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड वुमेन इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही। गेंदबाजी अच्छी उनके लिए, बल्लेबाजी नहीं उतनी अच्छी। तो यहाँ पर बैटिंग लाइनअप में आप ले सकते हो दोस्तों नत्ताकन चंतम को, चवई को, कमकोचू को, और यहाँ पर आप ले सकते हो मलेशिया की तरफ से दोस्तों ये तीन बैट्समैन को, श्रीनता सिंगा कोर्ट को ले सकते हो आप टीम में। ये चार बैट्समैन जो है दोस्तों डेफिनेटली खेलेंगे, इनमें से सिंगा कोर्ट थोड़ा रिस्की हो सकती है, इन्हें का चंतनम डेफिनेटली खेलेंगे, चवई खेलेंगी, कोचनम को आप बाहर रख सकते हो दोस्तों। अगर चाहिए तो आप ये दो प्लेयर को टारगेट कर सकते हो जो सेफ होंगे, सेफ प्लेयर होंगे, डेफिनेटली खेलेंगे। आपको ज़्यादा बैट्समैन नहीं, कम से कम तीन से चार बैट्समैन लेना है टीम में, तो ये दो प्लेयर आप ले सकते हो थाईलैंड की तरफ से दोस्तों। वहीं पर अब बात करते हैं मलेशिया वुमेंस की, तो मलेशिया वुमेंस की अगर बैटिंग लाइनअप में देखोगे दोस्तों, तो इतने सारे बैट्समैन हैं जो अभी तक का मैच खेल चुके हैं, पहले उनके बारे में डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ से पहले बात करता हूँ मैं, जूलिया को लेना थोड़ा रिस्की हो सकती है, नहीं खेलेंगे वहीं पर। याकोप खेलेंगे डेफिनेटली, एलिसा खेलेगी डेफिनेटली दोस्तों, तो आप उनको रख सकते हो। वहीं पर सीन थोड़ा रिस्की हो सकती है, उनको बाहर रखिएगा। तो ये दो प्लेयर आप रख सकते हो दोस्तों जो सेफ़ होंगे टीम में, तो आपको ज़्यादा बैट्समैन नहीं लेना है टीम में। वहीं इंटर्न को मत लीजिएगा, थोड़ा रिस्की हो सकती हैं। तो यहाँ पर दो प्लेयर आपके हो सकते हैं दोस्तों, यर्सिन याकोप और मास इलियास, तो ये दो प्लेयर को आप टीम में रख सकते हो जो सेफ प्लेयर हैं दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हो तो आपको लॉस हो सकता है। यहाँ पर नतया बोचतम और सोरेनियर टिपोचा ससा आजमी, तो ये तीन प्लेयर आपको डेफिनेटली रखना है दोस्तों टीम में। ससा आजमी काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर हैं, उनको आप रख सकते हो, टिपोचा को रख सकते हो, टीम की कैप्टन है तो डेफिनेटली खेलेंगे थाईलैंड की तरफ से। वहीं पे नच्चा बोत्तम काफ़ी एक्सपीरियंस है, आयरलैंड के लिए काफ़ी सारे मैचेस खेल चुके हैं आज तक, सॉरी आयरलैंड बोल रहा हूँ मैं, थाईलैंड के लिए काफ़ी सारे मैचेस खेल चुकी हैं, तो उनको उस बेस पर आप रख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर ये तीन प्लेयर मिल जाते हैं आपको, अगर इन तीन में से किसी और को लाना है तो विनफर्ड आने को ला सकते हो आप टीम में दोस्तों, क्योंकि विनफर्ड आने जो टीम की कैप्टन है डेफिनेटली खेलेंगी, परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन काफ़ी सारा अच्छा रिकॉर्ड है इनके नाम पे जो मलेशिया में मैचेस खेलती, तो उस बेस पर आप इनको टीम में ले सकते हो। वहीं पर ये जुकमा आजमी को भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकती है, इनको मत लीजिएगा। अब बॉलिंग में बात करते हैं, लिंग पार प्रेसर्ट को आप रख सकते हो, ऐना आजमी को रख सकते हो, रतन पडुगन को रख सकते हो, नूर जकरिया, महिरा इस्माइल, ये आपकी गेंदबाजी के प्लेयर होंगे दोस्तों, जो आप डेफिनेटली इन पांचों को रख सकते हो टीम में। लियाना पडुगन, हमी हम हाजमी,
इस्माइल जकरिया, ये पांच बॉलर को रख सकते हो। अगर ये पांच बॉलर के सिवा अगर आपको कोई और चाहिए तो दोस्तों आप माहिरा इस्माइल, नूरा जकरिया, रतन पुंडगरी, ऐना हमीजा, तो आप इनके सिवा ले सकते हो दोस्तों। टीम में सुतरंगी को काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, चिनिदा सुतरंगी बैटिंग भी कर लेते हैं। वहीं पर सुली पूरन लोमी को रख सकते हो आप टीम में दोस्तों। बाकी अदर प्लेयर की बात की जाए, सिनिया सेमिन सिनिया जो थाईलैंड के लिए खेलते हैं, थोड़ा रिस्की हो सकती है। नदीरा नसरुद्दीन को चांस मिला था, परफॉर्म नहीं कर पाई, तो ये चार गेंदबाज में से दोस्तों जो थोड़ा रिस्की हो सकती है उनकी बात कर लेते हैं आप। सनैया को टीम से बाहर रखिएगा, चतुरंगे डेफिनेटली खेलेंगी चाहे उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो। नसरू बाहर हो सकती है, लियोमी डेफिनेटली खेलेंगी क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है दोस्तों काफ़ी अच्छी है, इकोनॉमिकल है, तो उस बेस पे इनको खिलाया जा सकता है टीम में। अब बात करते हैं दोस्तों आपको किस तरह से जीतना है। पहले कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो मेरी फर्स्ट चॉइस होंगी यहाँ पर ससा आजमी टिपोची नताबोचतम, ये मेरे फर्स्ट चॉइस होंगे। वहीं पर आप बात कर सकते हो बॉलिंग में, ऐना आजमी को रख सकते हो, और वहीं पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आई थी आज वोंगपाका, तो उनको रख सकते हो आप। नूर जकरिया को रख सकते हो टीम में, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आप बैटिंग लाइनअप में तो कोई नहीं है दोस्तों कि आप जिसको रख सकते हो। अगर बैटिंग में थोड़ा रिस्क लेना है तो आप नतकन चंतम को रख सकते हो, और कोई प्लेयर नहीं जो ऐसे परफॉर्म करेंगे, तो आपका फर्स्ट चॉइस जो होना चाहिए दोस्तों बोचतम ससा आजमी टिपोचे कैप्टन होना चाहिए। बॉलिंग लाइनअप में आप हमीजा को रख सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी बॉलिंग करती हैं। जकरिया को रख सकते हो, लियम परेड को। अगर बैटिंग में थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप इनके साथ ले सकते हो, चंतम के साथ थोड़ा सा रिस्क लेके आप टीम बना सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आपको टीम क्रिएट करना है। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों रेशू क्या होना चाहिए टीम का। रेशू इस तरह से होना चाहिए दोस्तों जो आपको जिता सके। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। रेशू आपका होना चाहिए दोस्तों पहला कीपर, तो क्रिस्टियाना बैरेट को मैं रखना चाहूँगा कीपर, वो भी 8.5 पॉइंट की। नाना पत को आप रख लेते तो भी अच्छा है, तो दोनों को रख सकते हो आप। चंदतम और नरुल चौई ये दो बैट्समैन हो गए, माइला एली यर्सिने यकप ये दो बैट्समैन हो गए। वहीं पर ऑलराउंडर में ससा आजमी सरीना डिपोचिया नत्ता बोचतम, तो आपका क्रेडिट पॉइंट मैनेज करना थोड़ा आप रिस्की हो जाएगा। वेंगर को रख सकते हो, हमीजा को रख सकते हो दोस्तों, 9.5 बच रहा है तो आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों नूर जकरिया को। अब मैं यहाँ से एक बैट्समैन कम करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया रिशू क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो मास इलीस को, और यहाँ पर एक बॉलर बना सकते हो आप। तो मास इलीस को निकालने तो आपको अच्छा पॉइंट मिल जाता है टीम बनाने के लिए। तो इस तरह से आपका टीम हो सकता है दोस्तों, एक कीपर, तीन बैट्समैन, तीन ऑलराउंडर और चार बॉलर। अब ये दोनों की बात की जाए तो +7 हो जाता है। ये दोनों तीनों डेफिनेटली टीम में बॉलिंग करती हैं, तो तीन ओवर तीन बॉलर मिल जाते हैं और ये चार बॉलर मिल जाते हैं, टोटल आपके 7 बॉलर हो जाते हैं, जिससे आपकी टीम को बैलेंसिंग मिलता है। और आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो दोस्तों कोई अदर प्लेयर को डाल के यहाँ पर कीपर में चेंजेस कर सकते हो आप। चंतनम की जगह बैट्समैन ला सकते हो मलेशिया का कोई भी एक, जिससे आपको टीम को बैलेंसिंग मिले। लेकिन रेशू में आप दोस्तों चेंजेस नहीं कर सकते हो, मिनिमम आप इस सीरीज़ में बॉलर पे भरोसा करिए क्योंकि जो बॉलिंग अटैक होता है वुमेंस में काफ़ी रिलाय करती है, जो आपको पॉइंट दिला सकते हैं। तो उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ बैटिंग लाइनअप में भी आप देख सकते हो, अब आपके 7 बैट्समैन हो गए हैं कीपर को लेकर और 7 बॉलर हो गए, मतलब 14 प्लेयर हो गए जो आपके लिए परफॉर्म करते रहेंगे मैच में। तो डेफिनेटली आप उम्मीद कर सकते हो दोस्तों इन सारे प्लेयर से। और जो है लेडीज़ मैच जीतने का ट्रिक दोस्तों, आप रिलाय करो ज़्यादा बॉलर पर, जिससे आपकी टीम को जीतने का चांस मिले। अब यहाँ पे मैंने 2 टीम क्रिएट की है, सेम टीम क्रिएट नहीं करना है आपको, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है आपको बताने के लिए कौन सा सेफ प्लेयर होगा कौन रिस्की होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया। और इतनी बड़ी प्रिडिक्शन करने का मेरा एक ही फ़ायदा दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रन करते हो या भगा के देखते हो तो आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगी। जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये सेम टीम क्रिएट नहीं करना है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कौन कौन से सेफ प्लेयर हैं। क्रिस्टियाना ब्रेस्ट डेफिनेटली खेलेंगे लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकती है, तो आप वहाँ पे नाना पत को ले सकते हो टीम में। अगर आप स्मॉल लीग में खेल रहे हो तो सेफ खेलना चाहते हो, अगर आप ग्रैंड लीग में खेल रहे हो 6 टीम उतार रहे हो तो डेफिनेटली रख सकते हो टीम में। चंतम डेफिनेटली खेलेंगे, चवई खेलेंगी, इलियासा खेलेंगे, अरसन अकोप खेलेंगे, बच्चुतम खेलेंगे, टिपोची खेलेंगे, आजमी खेलेगी, लिंग पेरेस्ट खेलेगी, हमीजा और जकरिया, ये 11-11 प्लेयर खेलने वाले दोस्तों। आप 11-11 रख सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन के ज़्यादा इस मैच में ऑप्शन नहीं, तो आप ससा आजमी को कैप्टन रख सकते हो,
बॉलर पे किसी पे भी आप कैप्टन की उम्मीद कर सकते हो जो आपको स्टार्टिंग में ओवर्स डाल के दे और विकेट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लेडीज़ वुमेंस मैच है ये बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं हो रही। वहीं पर आप चेंजेस करना चाहो तो कीपर में ननपत को ला सकते हो, इनकन को थोड़ा लेके दोस्तों ले सकते हो, थोड़ा रिस्की लेकिन आप खिला सकते हो। वहीं पर आप बात करें बॉलिंग लाइनअप में, आप पोडुंगले को ला सकते हो टीम में, और यहाँ पर विनफर्ड आने जो टीम की कैप्टन है उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया टीम में, तो आप विनफर्ड आने को ला सकते हो ऑलराउंडर में। दोस्तों विनफर्ड आने काफ़ी अच्छी प्लेयर है, नहीं परफॉर्म नहीं कर पा रही टीम के लिए विनफर्ड आने, तो आप विनफर्ड आने को भी टीम में ला सकते हो जिससे आपको ईजी हो जाए, तो इस तरह से आपकी टीम बन जाएगी। विनफर्ड आने को लाते हो टीम में और यहाँ पर इंटन को लेते हो, कीपर चेंज करते हो, यहाँ पर एक बॉलर बढ़ा सकते हो, तो आपके पास टोटल 15 ऑप्शन हो जाते हैं। 15 में से आप सेफ अगर बात की जाए दोस्तों 11 प्लेयर बना सकते हो। थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहते हो तो मैंने स्टार्टिंग में जो जो प्लेयर के डिस्क्रिप्शन दिया आप उससे रिस्क ले सकते हो, लेकिन टिपोचा काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है, आप उनको रख सकते हो, और वहीं पर उनके अपोजिट में गोचितम को आप रख सकते हो दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी प्लेयर है। तो मेरा यही कहने का मतलब है दोस्तों, वापस में जाते जाते यही बताऊँगा आपको जो आपकी टीम का रेशियो होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। रेशियो होना चाहिए 1:3 के बाद आप रख सकते हो 4:3 और 4 का होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो क्या होगा 1:3:3:4, तो आपको मैं बताना चाहूँगा 1:3:3:4 ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। 1 का मतलब है एक कंपलसरी कीपर रखना होगा, 3 बैट्समैन रख सकते हो, 3 ऑलराउंडर रख सकते हो, 4 बॉलर, क्योंकि आपको बॉलर पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये आपके 7 बॉलर हो जाते हैं दोस्तों, 7 बॉलर मैच में। वहीं पर ये 7 बैट्समैन भी मिल जाते हैं आपको दोस्तों, तो 14 प्लेयर हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा और चेंजेस करना है तो दोस्तों आप ये कर सकते हो, 5 बॉलर रख सकते हो टीम में, 2 ऑलराउंडर रख सकते हो, 3 बैट्समैन और 1 कीपर, इससे आपकी बैटिंग लाइनअप में थोड़ा कमी आ जाएगी, 6 बैट्समैन हो जाएंगे और 7 बॉलर हो जाएंगे, तो आपका टोटल होगा 13 परफॉर्मिंग प्लेयर मैच में। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है दोस्तों, जो मैंने बताया आपको उस पर ध्यान देना है। अगर पिच पे ज़्यादा रन नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है बॉलर ही परफॉर्म करेंगे, अगर वो 4 ओवर में कुछ 10-15 रन देते हैं या 8 रन देते हैं तो भी आपके लिए वो 8 से 9 पॉइंट कमा के दे देंगे, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर इकोनॉमी 8-9 के ऊपर कोई मुश्किल से कोई बॉलर देगा तो उसका माइनस होगा पॉइंट, जैसा क्रिकेट रूल है ड्रीम इलेवन का, तो उस बेस पे मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ दोस्तों, और टीम के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले, अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हो दोस्तों आप तो अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम उसे आप तक अपडेट नहीं पहुँचा पाएंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।